हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो इस फ्रेम में मैंने एक साइड में 11 किले लगाई हुई हैं और ये डबल कलर की ऊन ले ली है और हम इसको इस तरह से एक एक कील छोड़ते हुए, ये देखिए एक एक कील छोड़ते हुए इस तरह से इसको कोने से कोने तक लपेट लेंगे। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा है कि कोई सिंपल डिज़ाइन बताइए इसमें, तो मैंने ये सिंपल डिज़ाइन बनाया है। इसमें बहुत ही सिंपल है। तो हमने दोनों साइड से इसको ऐसे ही एक एक कील छोड़ते हुए पूरा लपेट लेना है। अब हमने एक एक बार ये इसको पर्पल ऊन को लपेट लिया। अब हम यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे और अब हम वाइट ऊन लेंगे और इसको भी हमने ऐसे ही लपेट लेना है, पर्पल वाली के बीच में लपेट लेना है इसको एक एक बार। आप चाहे तो इस ऊन को डबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल ही इसको लपेटा है। तो इसको भी मैं ऐसे ही दोनों साइड से लपेट लूँगी। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और अच्छा लगा तो भी लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो हमने एक एक बार अब वाइट को लपेट लिया। अब फिर से हम ऐसे ही जैसे हमने शुरुआत में पर्पल ऊन को लपेटा था, सेम वैसे ही लपेटेंगे। हमें इसको एक ही बार में पाँच बार नहीं लपेटना है, हमको इसको एक एक बार लपेटना है। पहले एक बार पर्पल, फिर वाइट, फिर पर्पल और फिर वाइट। ऐसे ही हमें इसको कम से कम 15 राउंड लगाने हैं इसके। ये देखिए फिर से हम ऐसे ही वाइट को लपेट लेंगे। तो हमें इसमें 15 से 20 बार ऐसे ही लपेट लेना है। तो हमने इसको 20 बार ऐसे लपेट लिया, ये देखिए, और ये दोनों बराबर बराबर आए हैं। अब हमें जो इसमें लपेटा है उसको अच्छे से गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से लपेटने से ये जो इसके बबल्स हैं वो एकदम बराबर बराबर आएंगे दोनों साइड से। अगर हम एक साथ ही इसको ऐसे लपेट लेंगे तो कहीं से छोटे और कहीं से बड़े इस तरह से आएंगे। आप चाहें तो एक साथ भी लपेट सकते हैं। इसको बहुत ही टाइट ऐसे करके बांधना है और वाइट को वाइट से और पर्पल को पर्पल से इस तरह से हमें इसको बांध लेना है। सभी को हमने ऐसे बांध लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसको काटेंगे। हमने जो इसको ऐसे लपेटा है तो हमें इसको कटिंग करने में बड़ी आसानी होती है, तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं, देखिए ऐसे। और सभी कीलों के बीचों बीच से हमें ऐसे काट लेना है चारों साइड से। तो अब हम इसको काट के निकाल लेंगे। ये हमने काट लिया और ये देखिए कितना सुंदर बन कर के आया है। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।